मैं मयूरी श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे विशेष कार्यक्रम गुरुजी की भविष्यवाणी में, जिसमें गुरुजी सभी राशियों का दैनिक भविष्यफल तो बताते ही हैं, साथ ही फोन पर आपकी समस्याओं के सटीक समाधान भी प्रदान करते हैं। यदि आपकी भी है कोई समस्या और चाहते हैं उसका समाधान, तो कीजिए कॉल हमारे टीवी स्क्रीन पर दिए मोबाइल नंबर पर और ले आइए अपने चेहरे पर मुस्कान। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं ज्योतिष डॉक्टर आचार्य तुषारापाद जी से कैसा है आज का दिन। काली कल्याणकारी, आप सभी में स्थित ईश्वरीय शक्ति को प्रणाम। आज चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि है और पूर्वाहन 10:04 से प्रतिपदा तिथि भी लग जाएगी। बृहस्पति की होरा में सूर्य देव उदय हुए हैं, अतः आज बृहस्पतिवार है। चंद्रमा कन्या राशि और हस्त नक्षत्र में है, जो अपराह्न 12:42 पर चित्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। आज चंद्रमा के 2 में रहने के कारण प्रत्येक राशि के लोगों के जीवन में परिवर्तन मध्यम होंगे। आज का दिन बहुत ही पावन दिन है। आज चैत्र पूर्णिमा पर भक्तों के समस्त संकटों को दूर करने वाले अष्ट सिद्धि नव निधि के ज्ञाता हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाने का पवित्र दिन है। आप सभी को हनुमान जन्मोत्सव की शुभकामनाएं। हनुमान जी आप सबके कष्ट हरें, इसी कामना के साथ आज हम राशि फल का आरंभ कर रहे हैं। गुरु जी से आज के दिन की जानकारी के बाद आइए अब जानते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशियों के लिए क्या कह रहे हैं आज के सितारे। मेष राशि, आज तो आप समस्त चिंताएं त्याग कर बस हनुमान जी की सेवा करें। आज आपके लिए धन कमाने के नए साधन खुलने का दिन है। अपने पराक्रम से आज जिस कार्य का आरंभ आप करेंगे उसमें 100% सफलता आपको प्राप्त होगी। मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति अपने शुगर लेवल का थोड़ा ध्यान रखें, खान पान में लापरवाही से आंतों में कोई समस्या हो सकती है। आज के दिन सफेद रंग अंक 6 और पश्चिम दिशा कष्ट देने वाले हो सकते हैं। पूर्वाहन 11 से दोपहर 1:30 तक विशेष सावधानी बरतें और किसी विशेष कार्य का आरंभ करना हो तो प्रातः 10 से पूर्व ही करें, उसके बाद ना करें। आज के दिन को सफल बनाने के लिए और सभी बाधाओं से बचने के लिए ये रक्षा कवच अपनाएं। दाहिने हाथ में एक गिलास में जल लेकर ओम हंग इस मंत्र को 11 पढ़ें और उस जल को पी जाएं, दिन अच्छा बीतेगा। वृषभ राशि, आज आप अपने घर की विलासिता अर्थात लग्जरी के कुछ सामान खरीदने की योजना बना सकते हैं। कोई पुरानी की गई बचत का धन आज आपको अचानक प्राप्त हो सकता है। अपने किसी सहयोगी के यहाँ आपके जाने की संभावना है, जहाँ आपकी प्रतिष्ठा की हानि भी बन सकती है। आज के दिन किसी को ऋण नहीं दें, अन्यथा वापस नहीं मिलेगा। आज के दिन सुरमई कत्थई रंग अंक 3 और ईशान दिशा कष्ट देने वाले होंगे। रात्रि 8 से 11 के मध्य विशेष सावधानी बरतें। अपनी किसी बड़ी योजना आज के दिन किसी को ना बताएं। आज आपका दिन अच्छे से बीते इसके लिए इस रक्षा कवच का उपाय अपनाएं। अपने दाहिने हाथ में एक गिलास जल लेकर ओम क्रीम इस मंत्र को 11 पढ़ें और उस जल को पी जाएं, दिन अच्छा बीतेगा। मिथुन राशि, आज आप व्यर्थ की उत्तेजना अथवा आवेश में आकर हर कार्य को करने का प्रयत्न करेंगे और उसके बाद मानसिक दबाव में आकर बेचैनी अनुभव कर सकते हैं। आज के दिन किसी कार्य में लीडर बनने से आपको अपयश और मानसिक अशांति ही मिलेगी। संक्रामक रोगों से स्वयं को बचाने का प्रयास करें, मामूली संक्रमण की संभावना आज के दिन बन रही है। आज के दिन लाल और काले रंग अंक 9 और दक्षिण दिशा से कष्ट हो सकता है। दोपहर 12 से 2 के मध्य विशेष सावधानी बरतें। अपना कोई बड़ा कार्य आज के दिन नहीं करें।
आज के दिन को सफल बनाने के लिए और सभी बाधाओं से बचने के लिए इस रक्षा कवच को अपनाइए। दाहिने हाथ में एक गिलास में जल लेकर ओम स्वाहा इस मंत्र को 11 बार पढ़ें और उस जल को पी जाएं, दिन की सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। कर्क सिंह कन्या राशि वालों का कैसा रहेगा आज का दिन और क्या उपाय करने से उन्हें मिलेगा आज के दिन का पूर्ण लाभ, हमारे दर्शकों को गुरु जी जरूर बताएं। कर्क राशि, उच्च शिक्षा, प्रमोशन, ट्रांसफर, विदेश यात्रा के लिए लंबे समय से किए जा रहे आपके प्रयास आज सफलता की ओर दिख रहे हैं। आज आपके उच्च अधिकारी तथा क्लाइंट आदि आपसे संतुष्ट रहेंगे। साय होते होते आज आपका मन मंदिर जाने का हो सकता है, जहां आप अच्छा समय बिताएंगे और वहां किसी बड़े प्रभाव वाले व्यक्ति से आपकी भेंट हो सकती है, जो आपके कई कार्य सिद्ध कराने में सहायक सिद्ध होगा। आज के दिन नीला हरा रंग अंक 5 और दक्षिण पश्चिम दिशा से कष्ट हो सकता है। पूर्वाहन 11 बजे से दोपहर 2 बजे के मध्य विशेष सावधानी रखें। किसी विशेष कार्य के आरंभ के लिए आज पूरा दिन आपके लिए अच्छा है। आज के दिन को सफल बनाने के लिए और अपनी सभी बाधाओं से मुक्ति के लिए इस रक्षा कवच को अपनाइए। दाहिने हाथ में एक गिलास में जल लीजिए और ओम अंग इस मंत्र को 11 बार पढ़िए और उस जल को पी जाइए, दिन की समस्त बाधाएं दूर हो जाएंगी। सिंह राशि, आज आप साय किसी धार्मिक स्थल या अपने कार्य स्थल के किसी धार्मिक कार्यक्रम में अपनी किसी कला का प्रदर्शन कर सकते हैं, जिससे लंबे समय से चली आ रही कोई मानसिक समस्या दूर होगी। आज अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। सूर्यास्त के बाद दूध और दुग्ध पदार्थों का सेवन लंबी बीमारी दे सकता है। आज के दिन किसी के लिए कोई गारंटी या गवाही नहीं दें, अन्यथा आगे कानूनी रूप से कुछ परेशानी में आप पड़ सकते हैं। आज काला रंग अंक 2 और नैऋत्य दिशा से कष्ट हो सकता है। साय 5 बजे से 7 बजे के मध्य विशेष सावधानी बरतें और किसी विशेष कार्य के लिए आज का पूरा दिन आपके लिए अच्छा है। आज के दिन को सफल बनाने के लिए और अपनी सभी बाधाओं से मुक्ति के लिए इस रक्षा कवच को अपनाइए। दाहिने हाथ में एक गिलास में जल लीजिए और ये मंत्र ओम धम इस मंत्र को 11 बार पढ़िए और उस जल को पी जाइए, दिन बहुत अच्छा बीतेगा। कन्या राशि, कुछ दिनों पहले आप जिन दुविधाओं में स्वयं को घिरा हुआ पा रहे थे, आज उनसे मुक्त हो जाने का दिन है। आज आप अपने आगामी लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से निश्चित कर लेंगे और उन पर कार्य भी आरंभ करने की योजना बनाने लगेंगे। सूर्यास्त के बाद नदी या जल के किसी स्रोत के पास जाने से बचें। बाथरूम आदि में भी सावधानी रखें, अन्यथा पैरों में चोट इत्यादि लग सकती है। आज के दिन आसमानी रंग अंक 6 और पूर्वोत्तर दिशा से कष्ट हो सकता है। पूर्वाहन 9 बजे से 10:30 बजे के मध्य विशेष सावधानी का काल है और किसी विशेष कार्य के आरंभ को दोपहर 2 बजे के बाद ही करें। आज के दिन को सफल बनाने के लिए और सभी बाधाओं से बचने के लिए इस रक्षा कवच को अपनाइए। दाहिने हाथ में एक गिलास में जल लेकर ओम श्रीम इस मंत्र को 11 बार जपें और उस जल को पी जाएं, दिन बहुत अच्छा जाएगा। तुला वृश्चिक और धनु राशि वालों के जीवन में आज क्या है नया, जानते हैं गुरु जी से। तुला राशि, व्यर्थ की मानसिक उलझने बनी रहेंगी। किसी निर्णय पर आज आपके लिए पहुंचना आसान नहीं होगा। जीवन साथी और साझेदारों से कार्य में आपके कम समय देने के कारण विवाद हो सकता है। आज के दिन वाहन आदि बहुत सावधानी से चलाएं। सूर्यास्त के आसपास के समय कोई छोटी दुर्घटना हो सकती है, इसलिए सजग रहें। रात्रि में नींद कई बार खुल सकती है, इससे बचने के लिए रात्रि में सोने से ठीक पहले जल पीकर नहीं सोएं।
आज के दिन सफेद रंग, अंक एक और बिजली वाहन आदि से कष्ट हो सकता है। साय 5 बजे से 7 बजे के मध्य विशेष सावधानी काल है और किसी विशेष कार्य को आज आरंभ मत करिए। आज के दिन को सफल बनाने के लिए और सभी बाधाओं से बचने के लिए इस रक्षा कवच को अपनाइए। दाहिने हाथ में एक गिलास में जल लेकर ओम रीम इस मंत्र को 11 बार पढ़िए और उस जल को पी जाइए। दिन बहुत अच्छा जाएगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य के लिए आज का दिन कुछ समस्या देने वाला हो सकता है। धन की हानि या व्यर्थ के खर्चे आज होने की संभावना है। आज आपकी संतान को उनके कार्य क्षेत्र अथवा विद्यालय में कष्ट हो सकता है। आजीविका के क्षेत्र में चल रहे किसी विशेष प्रयास के व्यर्थ हो जाने की संभावना है। आज के दिन नारंगी रंग, अंक 9 और उत्तर दिशा से कष्ट हो सकता है। पूर्वाह्न 10 बजे से दोपहर 2 बजे के मध्य विशेष सावधानी रखें और किसी विशेष कार्य का आरंभ आज कदापि न करें, और यदि करना ही पड़ जाए तो दोपहर 2 के बाद ही उस कार्य को करें। आज के दिन को सफल बनाने के लिए और अपनी इन बाधाओं को दूर करने के लिए इस रक्षा कवच को अपनाइए। दाहिने हाथ में एक गिलास में जल लेकर ओम बम इस मंत्र को 11 बार पढ़ें और उस जल को पी जाएं। दिन की समस्त बाधाएं दूर हो जाएंगी। धनु राशि, आज के दिन अपनी वाणी से कुछ लोगों को अत्यधिक दुख पहुंचा सकते हैं, जिससे आपके गुप्त शत्रुओं की संख्या में बढ़ोतरी ही होगी। कार्य क्षेत्र में बहुत जोश में किसी कार्य की जिम्मेदारी स्वयं पर मत लें, निभाना कठिन हो जाएगा। किसी महिला सहकर्मी से विवाद होने की संभावना भी दिखाई दे रही है। सूर्यास्त के बाद प्रेमी अथवा जीवन साथी से मन मुटाव होने के प्रबल आसार हैं। आज के दिन पीला रंग, अंक 3 और ईशान दिशा से कष्ट हो सकता है। साय 7 बजे से रात्रि 9 बजे के मध्य विशेष सावधानी रखें और किसी विशेष कार्य का आरंभ आज के दिन दोपहर 3 के बाद ही करना ठीक रहेगा। आज के दिन को सफल बनाने के लिए और अपनी इन बाधाओं से मुक्ति के लिए यह रक्षा कवच अपनाएं। दाहिने हाथ में एक गिलास में जल लेकर ओम शम इस मंत्र को 11 बार पढ़ें और उस जल को पी जाएं। दिन अच्छा बीतेगा। और अब बात करते हैं गुरुजी से, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आज उनके भविष्य का हाल करने होंगे हल कौन से सवाल। मकर राशि, आज आप बिना किसी कारण मिल रहे आकर्षक ऋण के जाल में फंस सकते हैं। किसी बड़ी योजना के लिए साझेदारी से आज बचें। आर्थिक स्थिति ठीक होने में अभी कुछ समय लगेगा, अतः धैर्य बनाए रखें। मकर राशि की महिलाएं आज किसी कीर्तन आदि में आनंद का समय तो बिता सकती हैं, किंतु वहां व्यर्थ की बातें करने से मन को दुखी भी कर सकती हैं। आज जो छात्र छात्राएं उच्च शिक्षा या किसी व्यवसायिक कोर्स के लिए प्रयास कर रहे थे, वे सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। आज के दिन हरे रंग, अंक 3 और ऊर्ध्व दिशा से कष्ट हो सकता है। दिन के 12 बजे से साय 4 बजे के मध्य विशेष सावधानी बरतें और किसी विशेष कार्य के आरंभ के लिए आज 11 बजे के बाद से अच्छा समय रहेगा। आज के दिन को सफल बनाने के लिए और अपनी बाधाओं से मुक्ति के लिए इस रक्षा कवच को अपनाइए। दाहिने हाथ में एक गिलास में जल लेकर ओम नमः इस मंत्र को 11 बार पढ़िए और उस जल को पी जाइए। दिन बहुत अच्छा बीतेगा। कुंभ राशि, आज प्रातः होते ही आपके कुटुंब में कलह हो सकती है। धन की चोरी इत्यादि की घटना घट सकती है। मुख और गले में कुछ व्याधि बढ़ने की प्रबल संभावना है, जिसका कारण हो सकता है आपके पेट में अम्ल का अधिक बनना। आज आपका भाग्य साथ नहीं देगा, अतः किसी प्रकार का कोई भी रिस्क आज उठाने से बचें।
विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा में कुछ कठिनाई होगी, किंतु महिलाओं को दोपहर बाद छोटी सी सही कोई अच्छी खबर प्राप्त होगी। आज के दिन सुनहरे रंग अंक 7 और आग्नेय दिशा से कष्ट हो सकता है। मध्याह्न काल में विशेष सावधानी रखें और किसी बड़े कार्य को आज आरंभ न करें। आज के दिन को सफल बनाने के लिए और सभी बाधाओं से मुक्ति के लिए इस रक्षा कवच को अपनाइए। दाहिने हाथ में एक गिलास में जल लेकर ओम क्लीम इस मंत्र को 11 बार पढ़ें और उस जल को पी जाएं। दिन अच्छा बीतेगा। मीन राशि, हट धर्मिता और अत्यधिक वाचालता आज के दिन आपके दो बड़े शत्रु सिद्ध होंगे, अतः इनसे आज बचें। आज के दिन मौन रहेंगे तो कई कार्य स्वतः सिद्ध हो जाएंगे। आज किसी मनचाहे कार्य के लिए बहुत अधिक हाथ पांव चलाने से कोई लाभ नहीं होगा। दोपहर 3 बजे के बाद आज आपको अचानक ही धन लाभ हो सकता है। शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य के लिए दिन ठीक है, किंतु आप अपनी कठोर वाणी से इसे खराब कर सकते हैं। अतः आज बहुत विचार के उपरांत ही कोई बात मुंह से बाहर निकालें। आज के दिन लाल पीला रंग अंक 9 और 5 तथा उत्तर दिशा से कष्ट हो सकता है। पूर्वाह्न 10 बजे से दोपहर 3 बजे के मध्य सावधानी रखें और किसी विशेष कार्य को आज आरंभ ना करें। आज के दिन को सफल बनाने के लिए और सभी बाधाओं से बचने के लिए इस रक्षा कवच को अपनाइए। दाहिने हाथ में एक गिलास में जल लेकर ओम राम इस मंत्र को 11 बार पढ़ें और उस जल को पी जाएं। दिन अच्छा बीतेगा। और आज की विशेष बात में गुरुजी से जानेंगे कर्ज के दलदल से कैसे बचें, क्या कुछ उपाय करने चाहिए। और अब आज की विशेष बात। आज के इस भौतिकता से भरे युग में हर व्यक्ति अपनी सामर्थ्य से अधिक अपना स्टेटस दिखाने में लगा है। इसको मैं बुरा नहीं कहता। आप अपनी आजीविका के साधन बढ़ाकर अपने जीवन के स्तर को उच्च बनाएं, ऐसा तो पुरुषार्थ सबको करना ही चाहिए। किंतु इस दिखावे की अंधी दौड़ में प्रायः लोग ऋण के जाल में उलझते जाते हैं। पहले वो एक लोन लेते हैं, उसके बाद उस लोन को बंद करने के लिए दूसरा बड़ा लोन लेते हैं, और ये सिलसिला चलते चलते ऐसे पड़ाव पर पहुंच जाता है जहां वे ऋण में इतने डूब जाते हैं कि फिर कभी उस ऋण से उबर ही नहीं पाते। यदि आप पर भी ऋण की इस विपदा का वार हो चुका है और आपको कोई रास्ता ना दिख रहा हो, तो यह उपाय करें। ऋण पर तुषारापात होगा और आप अपने धन की रक्षा करने में समर्थ हो जाएंगे। उपाय क्या करना है, अब इसे ध्यान से सुने। शुक्ल पक्ष के किसी एक मंगलवार की सुबह अनंत मूल की जड़ को, अनंत मूल एक पौधा होता है जिसका वैज्ञानिक नाम है इंडियन सारसा परिल्ला, अनंत मूल की जड़ को लाल धागे में लपेटकर अपने गले में पहन लें और एक माला अर्थात 108 बार इस मंत्र हनुमते नमः प्रतिदिन जपें, जब तक कि ऋण उतर न जाए। इस उपाय के साथ अपने आजीविका संबंधी कर्म पूर्ण परिश्रम से करने से काली कृपा से आपका ऋण अवश्य ही उतर जाएगा। माँ काली कृपा से आप सब स्वस्थ सुखी और संतुष्ट रहें। हनुमान जी का विशिष्ट आशीर्वाद आज आप सबको प्राप्त हो, इसी शुभकामना के साथ आज के लिए आपसे विदा। कल पुनः भेंट होगी। काली कल्याणकारी। गुरु जी की भविष्यवाणी में आज के लिए इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।